एडवांस क्वालिफाई करने के बाद क्या सच में हर कोई आईआईटी चला जाता है? आज इस वीडियो में मैं तुमसे एक ऐसी ही कहानी बताने जा रही हूँ जिसके चलते रहते शायद जेई एडवांस क्वालिफाई करने के बावजूद भी मैं आईआईटी में ना होके कहीं और ही होती। जब तुम जेई एडवांस दे रहे होते हो उसके साथ साथ आई एम श्योर मेजोरिटी ऑफ यू ने बहुत सारे दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दिए होंगे एंड मैनी ऑफ यू माइट बी गेटिंग सम अमेजिंग सीट्स इन दोज कॉलेजेस एज वेल। मेरा भी किस्सा काफ़ी सिमिलर था। मेरे केस में मुझे जो श्योर श्योर सीट मिल रही थी वो थी वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। मुझे वहाँ पे CSE की सीट मिल रही थी एंड वो एक ऐसी जगह है जो मेरे घर के काफ़ी पास भी है। ये वो टाइम था जब जेई एडवांस हुआ भी नहीं था और जेई एडवांस के रिजल्ट की तो खैर बहुत दूर की बात है। जब ये रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे तब ऑलमोस्ट बोर्ड के रिजल्ट्स का टाइम था एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि एक सीट तो ऐसी है जो सिक्योर्ड है कम से कम एक अच्छी जगह में, और उसको लेकर मैं इतनी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई कि मुझे लगता था अब एडवांस हो भी या नहीं भी हो क्या ही फ़र्क पड़ता है। ये कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया था कि जब जे एडवांस ख़त्म हुआ और जब मैं एडवांस दे के वापस आई तब मुझे खुद से कुछ भी होप्स नहीं था आईआईटी जाने के। मुझे बस इतना पता था कि मैंने अपना बेस्ट दिया है। मुझे खुद से कोई भी होप्स नहीं थे, मुझे नहीं लगता था कि इस बार में आईआईटी क्रैक होगा। उस कॉन्फिडेंस को लेके मैंने फाइनली वीआईटी को हाँ तक बोल दिया था। मैंने सारी उसकी फॉर्मेलिटीज़ कर दी थी, सब कुछ एज पर प्लान चल रहा था। मैं वीआईटी चेन्नई शिफ्ट होने भी वाली थी एंड आई रिमेम्बर मेरा जॉइनिंग 11 सितंबर को था, और उसी दिन जब मेरा जॉइनिंग था उसी के अराउंड उसी दिन जब मैं ट्रैवल कर रही थी उस दिन मेरा जेई एडवांस का रिजल्ट आया था एंड टू माई सरप्राइज इट वॉज क्वाइट गुड, जो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरी डिसेंटली रैंक आई थी एंड आई न्यू कि उसमें कुछ ना कुछ तो मेरे को मिल ही जाता, बट उस टाइम पे मेरा दिमाग नहीं चल रहा था। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जब मेरे पास ऑप्शंस तो बहुत सारे थे बट मुझे समझ नहीं आ रहा था अब इसमें से बेस्ट क्या चूज़ करूँ मैं। जैसे ही जेई एडवांस का रिजल्ट आया सबसे पहले मैंने घर वालों को बताया और उन्होंने भी मेरे को यही रेकमेंड किया था कि तुम वीआईटी ही कंटिन्यू करो क्योंकि तुम्हें वहाँ पे सीएसई मिल रहा है। बट इन द बैक ऑफ माई माइंड मेरे दिमाग में जेई से आईआईटी जाने का सपना ये तो हमेशा था ही था। तो जब मेरा रिजल्ट आ गया था उसके बाद मैंने अपना रिजल्ट और एक थैंक यू का प्यारा सा मैसेज सर को भेजा था, और उन्होंने मेरे को बोला था कि तू बैंगलोर में रहती है तो वापस मिलने आ जा। तब वहाँ पर सेलिब्रेशन चल रहे थे और मैं ऑन द वे थी चेन्नई ज्वाइन करने के। तब मेरे को रियलाइज़ हो रहा था कि शायद मैं कुछ मेजर मिस कर रही हूँ, बट उस टाइम पे मैंने इसको उतना ज़्यादा थॉट नहीं दिया था। आई जस्ट वेंट अहेड और हम लोग वीआईटी पहुँच भी गए। वहाँ पे मैंने एक रात बिता भी ली। उसके बाद जब नेक्स्ट डे से इंडक्शन वगैरह शुरू हुआ वहाँ का तब मैं वहाँ के लोगों को ढंग से मिली, और तब मुझे लग रहा था कि क्या मैं इसके लिए, क्या मैं इस एक्सपोजर के लिए यहाँ पर रुकना, क्या ये सही होगा। मैं खुद को डाउट करने लगी थी उसमें। मेरे को पता था आई वॉज द बेस्ट अमंग द क्राउड। मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ पर रुकूंगी तो इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू आउट परफॉर्म एवरीवन एल्स एंड बी द बेस्ट ऑफ द क्राउड। बट तब मेरे दिमाग में ये भी था कि शायद मैं यहाँ पर बेस्ट रहूँगी, बाकी सबसे सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर भी लूँगी, बट क्या वो डेवलपमेंट मुझे यहाँ पे मिल पाएगा जो शायद मुझे आईआईटी दे पाता। इस थॉट के चलते रहते मैंने अपने पेरेंट्स को बोला मुझे वापस जाना है। मेरा एडमिशन हो चुका था वीआईटी में, सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी थी, मैं हॉस्टल में एक रात रुक भी चुकी थी। सबके लिए टाइम बहुत शॉकिंग था बट मैंने समहा उनको कन्विंस किया था। मैंने उनको सिर्फ इतना बोला था मैं आपको ये नहीं कह रही यहाँ से सीट हटा लो। मैंने उसको एज इट इज़ रखा था एंड एज अ लीव मैंने वहाँ पे लीव देके मैं वापस घर आई थी। घर आके मैंने काउंसलिंग के लिए एफर्ट्स मारने शुरू किए। इन द बिगिनिंग मेरे साथ सिर्फ सर थे जो मेरे को सपोर्ट कर रहे थे कि तुझे आईआईटी जाना चाहिए, बाकी कोई भी और नहीं था उस टाइम पे जो मुझे बताता कि सच में आईआईटी इज़ द राइट चॉइस फॉर यू। बट मुझे पता था कि मैंने सपना किस चीज़ का देखा था, ये जर्नी मैंने क्यों शुरू की थी।
उस थॉट को लेके घर पे बहुत सारे डिस्कशंस हुए, बहुत सारे डिबेट्स हुए, काउंसलर्स को मिले, कजिन्स, जितने लोग थे जो नहीं भी जानते थे वो भी उस टाइम पे जानने लगे और एडवाइस देने लगे। बहुत कंफ्यूजिंग टाइम्स था, ऑप्शंस थे तो बहुत सारे मेरे पास, और मेरे पास ये भी एक ऑप्शन था कि मैं न्यूअर आईआईटीज में अच्छी ब्रांच लूँ या फिर ओल्डर आईआईटीज में पीछे की ब्रांच। और ये चॉइस ऐसी थी जिसके बारे में मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो इस टाइम पे मैंने जो काम किया था वो ये था कि मैं लिंक्डइन पर कनेक्ट करती थी लोगों से, उनसे पूछती थी कि उनके कॉलेज के बारे में मेरे को बताए। मैं उनसे पूछती थी कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उनके कॉलेज में अच्छी है, जो उनके कॉलेज में बुरी है, सब कुछ। और फाइनली जब मेरा प्रेफरेंस लिस्ट बना था, उस टाइम पे भी सिर्फ मैं थी जो कॉन्फिडेंट थी कि हाँ यही मेरी फाइनल चॉइस है। मेरे घर वाले तब भी उतने श्योर नहीं थे अबाउट द चॉइसेस बट आई वाज फीलिंग इन। उनको लग रहा था मेरी जो टॉप मोस्ट चॉइस थी, जो मुझे लगता था फीजिबल होगी, वो था आईआईटी बॉम्बे का बीएससी केमिस्ट्री। और आई वाज प्रिटी श्योर कि उसके अराउंड मेरे हिसाब से क्लोज होना चाहिए था, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली बॉम्बे ना सही बट मेरे को आईआईटी खड़गपुर फाइनल राउंड में अलॉट हुआ था। मैं फिर से एक बार सोच रही थी कि मैं घर से इतना दूर जा रही हूँ, क्या मैं वहाँ पर खुश रह भी पाऊंगी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब मैं घर के बाहर स्टेप आउट कर रही थी खुद से। और ये एक ऐसा डिसीजन था जिसके बारे में मैंने सबको इंश्योर किया था कि अगर कुछ गलत हुआ तो इट विल ऑल बी ऑन मी। बट फाइनली जब तुम उस आईआईटी के कैंपस में जाते हो जिसको तुमने सिर्फ फोटोज में देखा है, जिसको तुमने सिर्फ सपनों में देखा है, उधर जाके जब तुम लोगों को मिलते हो, जब तुम उस मेन बिल्डिंग के सामने बैठते हो, वो फीलिंग, वो प्राइड बिल्कुल अलग लेवल का होता है। फर्स्ट डे जाके ही ना मेरे माइंड में कोई रिग्रेट था, ना मेरे पेरेंट्स के फेस पे कोई रिग्रेट था। वहाँ जाने के बाद वो लोग भी श्योर हो गए थे कि दिस वॉज द राइट चॉइस, एंड डेफिनेटली मेरा फ्यूचर शायद थोड़ा सा इजियर होता अगर मैं वीआईटी में रहती। मुझे पता है ये मेरे लिए एक टफर चॉइस है, मेरे को पता है ये थोड़ा टफर रास्ता है, बट दिस वॉज समथिंग दैट आई हैड चूजन फॉर माई सेल्फ एंड आई ऑलवेज बी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट। तो लर्निंग इस वीडियो से तुम्हारी ये होनी चाहिए कि जब तुम फाइनल चॉइस कर रहे हो अपने कॉलेज की, अपने प्रेफरेंस लिस्ट की, तो मेक श्योर कि तुम जो ओपिनियंस ले रहे हो वो बहुत सारे लोगों से लो, बट एट द एंड जो फाइनल प्रेफरेंस लिस्ट है मेक श्योर वो तुम्हें दिल से पसंद है। तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए आईआईटी को छोड़ने का या फिर किसी भी कॉलेज में जाने का। मेक श्योर जो भी तुम करो यू डोंट हैव टू लुक बैक एंड से मुझे तो ये नहीं चाहिए था। जितना अवेयर कर सकते हो खुद को उतना करो, लिंक्डइन पर कनेक्ट करो, सीनियर्स से कैचअप करो, जैसे मर्जी कनेक्ट करो, बस टेक अ इन्फॉर्म चॉइस, ध्यान से अच्छे से फिल करना इसको। इट माइट नॉट बी ईजी फॉर ऑल ऑफ यू टू कन्विंस योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज अबाउट इट, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। आई स्टिल से कि जे एडवांस देने से ज़्यादा मेरे लिए टफ ये डिसीजन लेना था, बट इन द एंड इट विल ऑल टर्न आउट टू बी गुड। यू विल लव द डे वेन यू आर एंटरिंग द आईआईटी का कैंपस। आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज इन द कमेंट। ऑल द बेस्ट।